हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू। तो आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड पाउडर। तो चलिए चलते हैं कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए। तो हमने एक कटोरी चीनी ली है, आधा कटोरी मैदा, हमने इसी कटोरी से चीनी ली थी, तो चीनी का आधा हम मैदा लेंगे और आधा कटोरी मिल्क पाउडर। और ये वनीला एसेंस है और रोज एसेंस, 8 से 10 काजू, 6 बादाम, येल्लो फूड कलर और रेड फूड कलर, क्योंकि आज हम दो तरीके का कस्टर्ड पाउडर बना रहे हैं। तो चलिए चलते बनाने के लिए। पहले हम चीनी को मिक्सी जार में डालेंगे और चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। एक बार आप भी घर पर इसी तरीके से कस्टर्ड पाउडर बना कर देंगे तो आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारी चीनी अच्छे से पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैदा और मिल्क पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि आपस में मिक्स हो जाएं। तो हमने इनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपने पाउडर को 2 अलग बर्तनों में निकालेंगे। और आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन कॉल करना ना भूलना। तो अब हमने अपने पाउडर को अलग अलग कटोरियों में निकाल लिया है। अब हम एक कटोरी में डालेंगे बादाम और एक में डालेंगे काजू। काजू वाली कटोरी में हम डालेंगे रोज एसेंस और बादाम वाली कटोरी में डालेंगे वनीला एसेंस। तो देखिए मेरा वनीला एसेंस कितना डल गया। तो कोई नहीं, हम इसको अलग निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे फूड कलर। तो काजू वाली में हम डालेंगे रेड फूड कलर क्योंकि इसमें हमने रोज एसेंस डाला है, और बादाम वाली में डालेंगे हम येलो फूड कलर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम एक बार इन्हें फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले हम अपने काजू वाले पाउडर को ग्राइंड करेंगे। तो देखिए हमारा रोज कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार है। इसी तरह से हम वनीला कस्टर्ड पाउडर भी बना लेंगे। देखिए हमारा वनीला कस्टर्ड पाउडर भी बनकर तैयार है। एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई करें और आप कस्टर्ड पाउडर से घर पर ही आइसक्रीम, बादाम शेक, काजू से कुछ भी बना सकते हो। तो एक बार जरूर ट्राई करें।